पुलिस भर्ती के अंतिम दिन पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए युवतियों ने पसीना बहाया। शुक्रवार को महिला कांस्टेबल कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती हुई। सुबह 5 बजे अभ्यर्थी मैदान में पहुंच गए थे। बारिश के कारण मैदान का ट्रैक कीचड़ में तब्दील हो गया था। बावजूद इसके पुलिस की वर्दी पहनने के चाहवानों ने मैदान में अपना जमकर दम दिखाया। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजीत सेन ने कहा कि 4 दिन तक पुलिस वर्दी आयोजित की गई थी। ग्राउंड क्लियर कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर ही पदों को भरा जाएगा। पुलिस भर्ती के अंतिम दिन पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए युवतियों ने पसीना बहाया। शुक्रवार को महिला कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती हुई। सुबह 5 बजे अभ्यर्थी मैदान में पहुंच गए थे। बारिश के कारण मैदान का ट्रैक कीचड़ में तब्दील हो गया था। बावजूद इसके पुलिस की वर्दी पहनने के चाहवानों ने मैदान में अपना जमकर दम दिखाया। भर्ती प्रक्रिया में कुछ के लिए दौड़ बाधा बनी तो कुछ के लिए लंबी छलांग व ऊंची छलांग। इस भर्ती में काफी संख्या में युवकों और युवतियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1068 पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चली हुई है। कुछ जिलों में भर्ती हो चुकी है और कुछ जिलों में होनी है। हमीरपुर जिला में 88 पदों के लिए लगभग 5500 युवा और युवतियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। SP हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भर्ती के अंतिम दिन महिला कांस्टेबल व कांस्टेबल ड्राइवर की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक पुलिस भर्ती आयोजित की गई, जिसमें ग्राउंड क्लियर कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर ही पदों को भरा जाएगा। पुलिस रिक्रूटमेंट जिसमें शारीरिक दक्षता का एक जो इम्तिहान, जिसमें रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट का एक इवेंट थे, वो आज उसका 4th दिन है। आज केवल लड़कियां और कुछ लड़के, खासकर ड्राइवर्स जो हैं, उनकी आज भर्ती की के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट थोड़ा मौसम के कारण थोड़ा सा हमारा डिले हुआ कार्यक्रम, पर अभी ठीक चला है और जल्दी ही बाय लंच टाइम हमारा एक्सपेक्टेड है कि खत्म हो जाएगा। वक्त चले छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।